नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली खबर उत्तरकाशी से है, जहां विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के आसपास के गांव को ट्रैक के माध्यम से जोड़ने के लिए नई पहल की गई है। जिला प्रशासन के साथ होटल एसोसिएशन और तीन गाँव पाटा, संग्राली और बग्याल गांव के ग्रामीणों ने मिलकर एक नया सृजन किया है। इस मौके पर जिले के मुख्य बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर से कंडा देवता मंदिर तक करीब 4 किलोमीटर के ट्रैक को विकसित करने के लिए ट्रैकिंग की शुरुआत की गई है, जिसमें डीएम अभिषेक रुहेला समेत 40 से 50 स्थानीय लोग पर्यटक शामिल थे। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्तियों पर अब कार्रवाई शुरू हो गई है। इस भर्ती घोटाले में अब तक 140 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। जल्द ही विधानसभा सचिवालय में हुई भर्ती घोटाले में निरस्त की गई सभी 228 कर्मियों की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। उत्तराखंड विधानसभा में अवैध नियुक्तियों को लेकर के जाँच समिति की रिपोर्ट आने के बाद अब विधानसभा अध्यक्ष ने टर्मिनेशन की कार्रवाई शुरू कर दी है। पहले 40 टर्मिनेशन लेटर कर्मचारियों को दिए गए और अब 100 और कर्मचारियों के टर्मिनेशन लेटर जारी किए जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि हम लोगों की जो रिपोर्ट आई है, समिति की रिपोर्ट आई है, उसमें आप सब जानते हैं कि बहुत क्लियरली कहा गया है कि जो भी भर्तियां हुई हैं वो नियम विरुद्ध हुई हैं, चाहे एडवर्टाइजमेंट निकालने की बात हो, चाहे एग्जाम लेने की बात हो, लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की बात हो, और साथ ही साथ आर्टिकल 14 और 16 का भी पालन नहीं हुआ है, जो कहता है कि हर एक व्यक्ति को समान अवसर मिलना चाहिए जहां तक भर्ती का सवाल है। तो इस कारण से जब रिपोर्ट आई है उसके बाद हमारी टर्मिनेशन प्रोसेस शुरू हुआ। थोड़ा समय लेता है क्योंकि उसमें कॉपीज बनानी पड़ती हैं और जगह जगह भेजनी पड़ती हैं। अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां सोशल मीडिया पर अंकिता भंडारी और उनके परिजनों के लिए अभद्र टिप्पणी करने वाले आरएसएस के कथित नेता विपिन गढ़वाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनकी इस पोस्ट से क्षेत्र और ग्रामीणों में भारी रोष है। वहीं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस गरीब बेघर जन प्रकोष्ठ संयोजक विजयपाल सिंह रावत के नेतृत्व में आरएसएस नेता पर मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग को लेकर रायवाला थाने में तहरीर दी गई है। दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने श्यामपुर और रायवाला थाने पहुंचकर के विपिन कर्णवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। पूरे उत्तराखंड को उद्वेलित करने वाले अंकिता भंडारी मर्डर केस में विगत दिवस रायवाला निवासी आरएसएस के नेता विपिन कर्णवाल द्वारा अपने फेसबुक अकाउंट पर अंकिता के भंडारी के पारिवारिक सदस्यों को टारगेट करते हुए अपमानजनक अमर्यादित टिप्पणी करी, उससे क्षुब्ध होकर आज हमारे साथियों के साथ हमने यहाँ थाना रायवाला में थाना प्रभारी श्री भुवन चंद्र पुजारी जी से मुलाकात करी और ऐसे समाज में वैमनस्य फैलाने वाले आरएसएस नेता विपिन कर्णवाल के खिलाफ लिखित तहरीर दोपी। हमारी मांग है कि थाना प्रभारी अविलंब विपिन कर्णवाल के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने का काम करें। अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद प्रशासन हरकत में आया है, जिसके बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रशासन की टीम ने रायवाला स्थित होटल, रिसोर्ट और होम स्टे की जांच की है, जहां टीम ने कई तरह की खामियां पाई हैं। बता दें कि रायवाला स्थित आरिवन रिजॉर्ट में टीम ने पाया कि ये बिना पंजीकरण के ही संचालित हो रहा है। खास बात यह है कि रिजॉर्ट में ठहरने वालों का ब्यौरा रखने वाला रजिस्टर भी गायब है। खबर थराली से है, जहां सोमवार रात को कर्णप्रयाग ग्वालडम हाईवे पर नारायण बगड़ नलगांव के बीच एक बाइक सवार गहरी खाई में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंचे एसडीआरएफ के जवानों ने घायल को खाई से रेस्क्यू कर 108 की मदद से उप जिला अस्पताल कर्णप्रयाग पहुंचाया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। अगली खबर सहारनपुर से है, जहां खनन माफिया हाजी इकबाल और बाला पर मिर्जापुर पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि एसएसपी डॉक्टर बिपिन ताड़ा के दिशा निर्देशन में पुलिस फोर्स के साथ ग्लोकल यूनिवर्सिटी पर छापा मारकर करोड़ों का सामान जब्त किया गया है। साथ ही इस मामले में 11 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज भी किया है।
खबर संभल से है, जहां उपजिलाधिकारी की पहल पर दो दर्जन कुष्ठ रोगियों के लिए संभल शहर के समाजसेवियों ने आगे आकर के उनके टूटे फूटे आशियानों के नवनिर्माण के लिए पैसे देकर सहयोग किया, जिससे आने वाले कुछ ही दिनों में कुष्ठ रोगियों के परिवारों को जल्द से जल्द पक्के मकानों में रहने का मौका मिलेगा। खबर फतेहपुर से है, जहां पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर पैसा चोरी करने वाली अंतर्राष्ट्रीय गैंग का खुलासा करते हुए 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस को काफी संख्या में एटीएम कार्ड के साथ ही तमंचा कारतूस बरामद किया है। पुलिस ने सभी को जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अगली खबर बिजनौर से है, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी एक दिवसीय कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बिजनौर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने जिला पंचायत कार्यालय भवन का फीता काटकर शुभारंभ किया। साथ ही पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचकर प्रदेश अध्यक्ष ने 2024 के चुनाव सहित नगर निकाय और MLC चुनाव को लेकर के कार्यकर्ताओं से बात की। जमीनी सच्चाई समझी है, उत्तर प्रदेश के पहले चरण में जब चुनाव हुए तो पहले चरण की 58 सीटें हैं, कितनी सीटें हैं, और उस पहले चरण में जिले थे शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, ये जिले, ये किसके जिले हैं सब आपको पता है। और बीजेपी ने पूरे प्रदेश में 7 चरणों में अगर सर्वाधिक स्ट्राइक रेट से सीटें जीती हैं तो 56-58 सीटों में से 46 सीटें जीती हैं। खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। दरअसल ये पूरा मामला कोतवाली लहरपुर क्षेत्र का है, जहां के वसीम ने अर्जुन बनकर एक हिंदू लड़की से 2018 में शादी कर ली। एक साल तक साथ रहने के बाद पता चला कि वो मुस्लिम है। इस दौरान युवती ने एक बच्चे को जन्म भी दे दिया, जिसका विरोध करने पर वसीम अपनी पत्नी को पीटता था। इस मामले में अधिवक्ताओं के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने वसीम को गिरफ्तार कर लिया है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां एक दूध विक्रेता से 50,000 रुपये लूटने का मामला सामने आया है। दरअसल दूध विक्रेता बैंक से रुपये निकालकर ला रहा था, उसी समय बाइक सवारों ने पुलिस बनकर चेकिंग के नाम पर रोक ली और तलाशी करने लगे। तलाशी के दौरान जब 50,000 रुपये मिले तो बदमाश लेकर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। ये पूरा मामला शिकोहाबाद नगर पालिका के सामने का बताया जा रहा है। खबर बुलंदशहर से है, जहां जिले के न्यायाधीश पंकज कुमार सिंह, DM चंद्रप्रकाश सिंह और SSP श्लोक कुमार ने जिला कारागार का निरीक्षण करते हुए कारागार में बंदियों को दी जाने वाली व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जेल अधीक्षक और जेलर सहित कारागार के कई अधिकारी मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।